कल्याण जी, अभी आपका अवार्ड इतना सक्सेसफुल हुआ, पिछले महीने आपने करवाया बॉम्बे में जी, अभी नेक्स्ट अवार्ड आपका दुबई में होने जा रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सेलिब्रिटी आ रहे हैं, कुछ शेयर करेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद करता हूँ। पुष्कर जी भी से बहुत बड़ा सपोर्ट किया था मुझे, अड्डा ने सपोर्ट किया था, हाइदर ने सपोर्ट किया था, तो काफ़ी मीडिया वाले ने मुझे सपोर्ट किया था पिछली बार, और हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन है शिल्पा चौहान मैडम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था मुझे, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, जैसा राम कुमार पाल साहब ने सपोर्ट किया, बी एन तिवारी जी ने जो FWC के, उन्होंने सपोर्ट किया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और हमारे जो हमारे माटे साहब है सूरज माटे, जो ग्लोबल सनसाइन के ये मालिक है, उन्होंने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था, तो ये सब टीम है, ग्रुप है जो मुझे सपोर्ट किया है, और सपोर्ट करके हमने एक बड़ा शो किया था, जो तीन शो एक साथ में हुआ था, जिसमें आपको भी अवार्ड मिला था, पुष्कर जी को मिला था, अड्डाई को मिला था, काफ़ी लोगों को मिला था अवार्ड। तो अभी जो हमारा अवार्ड शो है अगले महीना है, ये यूनिक है, और इसका तीनों का पोस्टर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेरी बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। हमारा पहला जो ये है, ये जो है अवार्ड, ये आप देख सकते हो सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के सोलमेड अवार्ड, ये जो अवार्ड है, ये आपको मैं बोल दूँ, दादा साहेब फाल्के इंडस्ट्री का जन्मदाता है, भगवान है, लेकिन इनके साथ में इनका जो वाइफ है वो भी भगवान है। क्यों बताता हूँ, बहुत लोगों को ये नहीं पता, जो एडिटर, बहुत सारे एडिटर जन्म लिया है दुनिया में, लेकिन एडिटर का अगर गुरु है तो ये है सरस्वती बाई फाल्के, फर्स्ट एडिटर हिंदुस्तान का, फर्स्ट टेक्नीशियन टीम प्रोड्यूसर, ये अगर है तो ये है नारी जिन्होंने अपने मंगलसूत्र को निकाल कर दादा साहेब फाल्के को दिया था, और उन्होंने गिरवी रख के पहला फिल्म गया था राजा हरिश्चंद्र 1913 में। तो पहला लेडी अगर है जिन्होंने दादा साहेब फाल्के को हेल्प करने के बाद पहला फिल्म इंडस्ट्री को दिया, आज बड़े बड़े स्टार है, आपने आपको बहुत बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर बोलते हैं, मैं फिल्म लाइन में हूँ, मैं एक्टर हूँ, लेकिन अगर जो बोलते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो नाम कमाते हैं, अगर उनका अगर गुरु है तो ये दोनों है। तो इन दोनों के, दादा साहेब फाल्के नाम से तो मेरा शो होता ही है, लेकिन इसके अलावा सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के के नाम से सोलमेड अवार्ड हमने किया है। ये अवार्ड जो है हस्बैंड वाइफ या मदर फादर, सोलमेट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है, भाई बहन नहीं होता है, सोलमेट माँ बाप होते हैं, और हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ तो आजकल सोलमेट नहीं निकल रहा क्योंकि आजकल डिवोर्स बहुत चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है आजकल माँ बाप के बिना कोई सोलमेट इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आजकल पहले जमाना था जो वाइफ सोलमेट हुआ करता था या हस्बैंड सोलमेट हुआ करता था, आज के तारीख में तो दो दो बच्चे को छोड़ छोड़ के भाग रहा है, पाकिस्तान से भी आ गया कोई है ना, सीमा जी तो सीमा तोड़ के सीमा आ गया है, तो आज के तारीख में सोलमेट तो मुझे लगता नहीं है, जो हस्बैंड वाइफ भी है या वाइफ हस्बैंड है, सोलमेट अगर प्योर है तो माँ बाप, उसके बिना सोलमेट कोई नहीं है। तो हमने दोनों के नाम पे हमने एक सोलमेट अवार्ड रखा है, जो हस्बैंड वाइफ आपको स्टेज पे आना है या माँ बाप को लेके आना है, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आपकी मम्मी को या पापा किसी भी लेके आओ, लेकिन स्टेज में दो जोड़ी होना चाहिए तो हम आपको अवार्ड देंगे, नहीं तो हमको आपको अवार्ड नहीं देंगे, चाहे कोई भी स्टार। हाँ, आपने पूछा स्टार कौन कौन है, अच्छे स्टार है इस बार, इतनी बड़े बड़े स्टार है टीवी के, आपका सबको पता है मैं टीवी का मैं बादशाह हूँ और टीवी के स्टार आता है मेरे शो में, तो टीवी के सब बड़े स्टार है मेरे साथ इस बार, और इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट है वो हमारे मेरे गुरु जी RPI पार्टी के अध्यक्ष और मिनिस्टर है भारत सरकार के रामदास आठवले साहब, वो हमारा चीफ गेस्ट है, और भी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं, लेकिन चीफ गेस्ट अभी वो फिक्स हुआ है हमारा, और हमारा ये 24 को लिखा है, बेसिकली हमारा 25 तारीख को है, 25 को है ये सोलमेट अवार्ड है, जो पहली बार इतिहास में जोड़ी अवार्ड हम लोग कर रहे हैं, इतिहास है पहली बार, फर्स्ट टाइम सोलमेट अवार्ड। इसके अलावा हमारा एक अवार्ड है जिसका नाम है बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड, जो ये चौथा साल है हमारा, ये भी 25 तारीख को ही है, तो 24 था क्योंकि 24 को चंद्रयान जो हमारे चंद्र में जो उतर रहे, मतलब पायलट जो जाएंगे वहाँ पर, वो 23 या 24 का टाइमिंग है अगस्त का, तो 23 और 24 का अगर शो कोई भी रखेगा तो फ्लॉप जाएगा, क्योंकि वो चंद्र में हमारा चंद्रयान जो है 3 वो वहाँ पर लैंड होने वाला है, तो इसलिए वहाँ पर पूरी मीडिया, पूरी लोग वो टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, भाई कैसा हो
आया है, कैसा गया है, कैसा हुआ है, वो 23 और 24 का डेट है। तो अगर मैं 24 को शो करेगा तो उसको मेरा फ्लॉप जाएगा क्योंकि कोई आएगा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने 25 को किया है शो। और ये बिजनेस ग्लोबल जो अच्छे अच्छे बिजनेस मैन है हम उसको सम्मान कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस मैन। तीसरा है लाइफ स्टाइल आइकोनिकर, जिसमें अपने जीवन को लाइफ स्टाइल से जिया है, ऐसे लोगों को हम सम्मान कर रहे हैं लाइफ स्टाइल आइकोन। 3 अवार्ड शो है और तीनों अवार्ड का हम 25 तारीख को है अगस्त को, और आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। और इसके अलावा मेरा दुबई में है, डायरेक्टली दुबई है मेरा, 6 और 7 अक्टूबर को था, हमने उसको 28 और 29 को किया, मतलब 27 28 किया हमने, और 29 अक्टूबर तो 6 अक्टूबर, और क्योंकि नवरात्रि आ रहा है तो नवरात्रि में हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि, और उसके बाद 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो 6 और 7 अक्टूबर अगर मैं शो करता हूँ तो फ्लॉप जाएगा क्योंकि 5 तारीख को वर्ल्ड कप शुरू होगा, फर्स्ट डे है, तो लोग वर्ल्ड कप देखेगा मेरा शो नहीं आएगा। तो इसलिए हमने चेंज करके हमने 27 और 28 और 9 को अक्टूबर को हमने दुबई रखा है। और इस बार दुबई में हम क्रिकेट लीग कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर क्रिकेट लीग कर रहा हूँ, और उसके बाद BCL कर रहा हूँ, उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड शो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक डांस एंड एक्टिंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ, फैशन शो कर रहा हूँ, ऐसा करके मेरा 6-7 आइटम है 3 दिन में वो पूरा कर रहा हूँ। और उसके बाद उसी मंच में हमने एक शो टीवी शो लेके आ रहा है, बहुत बढ़िया शो है टीवी शो, 1 का 3 शो एक टीवी शो मैं लेके आ रहा हूँ। अपने टीवी शो डांस इंडिया डांस देखा है, सब देखा है, मैं जी सलाम में एक बहुत खूबसूरत टीवी शो लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है 1 का 3 शो, जिसमें एक बंदा वर्ल्ड में अभी तक नहीं हुआ है, एक बंदा 3 मिनट में वो 3 हुनर को वो दिखाएगा, एक ही बंदा, एक ही कलाकार, 1 मिनट का डांस, 1 मिनट का सिंगिंग, 1 मिनट का कॉमेडी। आज तक इतिहास में वर्ल्ड में ऐसा शो नहीं आया जो एक कलाकार 3 चीज को 3 मिनट में करके दिखाएगा, और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैं शो लेके आ रहा हूँ जो जी सलाम में ये शो मेरा टेलीकास्ट होगा, और इसमें कोई जज नहीं होगा, इसमें सिर्फ जनता जनार्दन जज होगा। हफ्ते में जो उसको वोटिंग करेगा, जिसका वीडियो वायरल होगा, जिसका वीडियो को व्यूवर्स होगा, उसी को हम चुनेंगे वीक में 1st और 2nd। तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट मैं जी सलाम में लेके आ रहा हूँ, 3 महीने का मेरा शो होगा और 24th एपिसोड होगा, बहुत अच्छा, पूरी हिंदुस्तान से उसका ऑडिशंस होगा, और उसके बाद हम लोग शो को लेकर आ रहा है, उसका लॉन्चिंग पार्टी है हमारा दुबई में। वाह, व्हाट अ प्लानिंग, कुछ बोलना है, बोलिए आप, कुछ बोलना, नाइस, वेरी नाइस, क्या प्लानिंग है, इन्होंने डेट भी मतलब बहुत सोच समझ के रखी है एक्चुअली, वरना शो में तो कोई आएगा ही नहीं, तो इनकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, रिलैक्स ही आगे क्या होता है। नरेश आया, नरेश का अच्छा ही होगा, आइए आइए, एक पोस्टर पापा करके आप आइए। थैंक यू सो मच आप सभी को, मैं कुछ लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, माय वाइफ अंकिता जाना को, माय डॉटर अभिका जाना को, और उसके बाद जो मेरा भाई है, मेरा अध्यक्ष गौरव शाह जो मेरे साथ रहते हैं हर वक्त, चाहे बॉम्बे हो चाहे दुबई हो, और मेरे सचिन भाई है जो मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, मेरा 5G इंटरनेशनल 5G स्टूडियो, JK ग्रुप ऑफ कंपनी दुबई, जितेंद्र कुमार सिंगला साहब, NFL ग्रुप ऑफ कंपनी, अब्बा जान, भाई जान, तो इसका हमारी, उसके बाद जो हमारी बॉम्बे में जो ग्लोबल सनशाइन सूरज माटे सर, राम कुमार पाल सर, BM तिवारी जी, और जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, मतलब चाहे दुबई में दुबई की टीम, नगमा दीदी मेरे जो साज मीडिया एंटरटेनमेंट, उनको काफ़ी मुझे सपोर्ट करता है दुबई में नगमा दीदी, और मतलब जितने भी लोग दुबई से हैं, दिल्ली से हैं, शिल्पा चौहान मैडम जो दिल्ली से हैं, तमाम जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे मैं मुंबई में हो, उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। आप लोग हो बोल के मैं कर पाता हूँ, मेरी औकात नहीं है, तो आप लोग साथ रहना तभी मैं कुछ कर, मैं कर पाएगा, लेकिन आप लोग हो तो मैं कुछ हो, आप लोग नहीं हो तो मैं गाँव है, मुझे गाँव जाना पड़ेगा, तो वेरी थैंक, आप लोग साथ देते हो मुझे और मैं कुछ कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, हर महादेव, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जय हिंद।